हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं JMI CDOL 2022 सेलेक्टेड लिस्ट के बारे में। जी हाँ गाइस, JMI CDOL 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट जो है वो रिलीज हो चुकी है। किस तरह से चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस और कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है गाइस, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट चेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिखाई देगी, एक MBA के लिए और एक जो है BA एग्जाम के लिए। तो दोनों ही लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। आपको अगर MBA सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट चेक करनी, तो गाइस आप देख सकते हैं MBA की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई। आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको कंप्लीट जो पूरी यहाँ पे सेकंड सेलेक्टेड लिस्ट जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने मिल जाएगी। एप्लीकेशन आई डी दे दिए पहले, देन आप लोगों का रोल नंबर, सेम एज इट इज़ फॉर BA के लिए। आपको BA के लिए अलग लिंक प्रोवाइड करा दी, उस पर क्लिक करने पे न्यू PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ भी आप जो कैटेगरी वाइज BA का जो है कंप्लीट सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट चेक कर पाएंगे। इनकेस अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ गाइस, आप लोगों के लिए अनअकैडमी के थ्रू एक बहुत ही बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी आई हुई, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जिस अपॉर्चुनिटी की मैंने आप लोगों से बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। लाइक आप यहां पे देख सकते हैं गाइस, अनअकैडमी के थ्रू आप लोगों के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज की गई है। जी हाँ गाइस, अगर आप MCET के लिए प्रिपेयर हो रहे, मींस किसी भी MCET को, चाहे वो TS MCET हो या AP MCET, अगर आप TS MCET या AP MCET को 2021 के MCET को क्लियर करके क्रैक करना चाहते हैं, तो गाइस आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, बहुत ही हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। गाइस यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो भी गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल, यानी कि आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना होगा। आप जो है फ्री में यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे जो है दे सकते हैं, और वो भी गाइस अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, अब मैं बता दूं तो किस तरह से आप जो है इस टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, तो इस तरह का इंटरफेस गाइस आप लोगों के सामने स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2nd Jan को फर्स्ट मॉक टेस्ट आपका रहेगा, 3rd Jan, 9th Jan, 10th Jan, और सब्जेक्ट भी यहाँ पे दे दिए गए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे एनरोल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनरोल पे क्लिक करेंगे, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा, या तो सिंपली कंटिन्यू विथ ईमेल कर देना, या अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। और आपको गाइस जैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जो है अलर्ट भी कर दिया जाएगा, आपको जो है अलर्ट कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि जो मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो अलाउ मीन्स मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप जो मॉक टेस्ट के लिए जो है एनरोल कर पाएंगे। अब इसी के साथ गाइस, मॉक टेस्ट के बाद एनरोल करने के बाद अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगता है, तो गाइस अगर आप जो है TS MCET या AP MCET का जो प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू करना चाहते हैं, तो गाइस उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के गाइस काफी सारे फायदे, लाइक आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को जो मॉक टेस्ट अभी जो करने मिलेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो अगर आपको पूरी तरह से जम जाते, तो आप सोच सकते हैं कि जब आप पैसे से अगर इसका जो लेक्चर अटेंड करेंगे, तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी रह सकती है। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी हुई, आपको वहां पे आ जाना होगा। तो आपके सामने इस तरह का आप देख सकते हैं इंटरफेस आ जाएगा, AP MCET TS MCET सब्सक्रिप्शन करके। यहाँ पे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month प्लान है, आप जो भी चाहे वो प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस दे दिया गया है। उसी के साथ गाइस यहाँ पे भी आपको दो अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक यहाँ पे नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है। गाइस आप जो है नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट करके हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट जो है पे कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आपको जो रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम गाइड जो रेफरल कोड एंटर कर देना होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो +10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सिंपली प्रोसीड टू पे करना है, तो गाइस आप लोगों को +10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज का भी मैंने बता दिया, फ्री में जो मॉक टेस्ट सीरीज के लिए भी जो अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप जो है फ्री लाइव लेक्चर्स भी अटेंड करना चाहते हैं, या फ्री टेस्ट अटेंड करना, क्विज अटेंड करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, और वहां पे अनलॉक कोड आपसे मांगा जाएगा जब आप फ्री लाइव टेस्ट अटेंड करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को जो है सिंपली यही कोड एंट्रेंस एग्जाम गाइड एंटर कर देना होगा, और वहां पे आप जो है फ्री में अपना टेस्ट भी अटेंड कर पाएंगे।
सो गाइस यही अपॉर्चुनिटी जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आई होप कि अपॉर्चुनिटी जो फ्री मॉक टेस्ट वाली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। साथ ही साथ आप चाहे तो पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, प्लस 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा रहा हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।